हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेन 90। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड क्रॉस कंटामिनेशन के बारे में। एज पर द रिसर्च, मोर देन 600 मिलियन पीपल हर साल बीमार होते हैं खराब खाना खाने के वजह से, और इसका पीछे जो मेन रीजन है वो है फूड क्रॉस कंटामिनेशन। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। टोटल हमने यहाँ पे चार टॉपिक लिया है। व्हाट इज क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन क्या है, टाइप ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, कितना तरीके से जो क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, और किस तरह से हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले, व्हाट इज क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन क्या है। जब बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो जाते हैं फूड के अंदर और इस फूड को खराब करने लगता है, इसे कहते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इसे फूड को कंटामिनेट करते हैं। फूड एलर्जी भी होता है जिस वजह से भी कंटामिनेट हो सकते हैं। केमिकल्स अगर फूड का अंदर जाए तो भी कंटामिनेट हो सकता है, या फिर टॉक्सिन का वजह से भी ये कंटामिनेट हो सकता है। बहुत लोगों को मानना है कि सिर्फ बाहर का खाना खाने से या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह का खाना खाने से ही सबसे ज़्यादा जो फूड बीमारी होते हैं और क्रॉस कंटामिनेशन होने का चांसेस रहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये सही बात नहीं है, क्योंकि जो फूड हम रेस्टोरेंट में या फिर होटल में बना रहे, हो सकता है फूड ऑलरेडी कंटामिनेट हो और बाहर से ही हमको जो कंटामिनेट फूड या फिर खराब फूड मिला है जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो फूड है किचन में आने से पहले ही कंटामिनेट हो सकता है। तो जैसे कि सबसे पहले प्राइमरी फूड प्रोडक्शन, जहाँ पे ये प्लांट हो रहा है या फिर एनिमल, जहाँ पे एनिमल को पाला जा रहा है या फिर फार्मिंग जहाँ पे किया जा रहा है, हो सकता है वहीं से ही जो फूड है या फिर मीट है वो कंटामिनेट हो चुका है या फिर खराब हो जाता है। सेकेंडली आता है हार्वेस्ट या फिर स्लॉटर का टाइम पे भी ये कंटामिनेट हो सकता है। सेकेंडरी फूड प्रोडक्शन का टाइम पे भी हो सकता है, जब इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है उस टाइम पे। ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी जो फूड है ये कंटामिनेट हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस टाइम पे इसका टेम्परेचर वगैरह सही ध्यान नहीं दिया जाए। अनप्रॉपर स्टोरेज का वजह से भी हो सकता है। और लास्ट जो ऑप्शन है, फूड प्रिपरेशन का टाइम है और सर्विंग का टाइम पे, जैसे कि चाहे होटल में हो या फिर घर पे हम खाना बना रहे हैं, अगर हम इसे सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो इसमें कंटामिनेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले का जो 5 पॉइंट है ये तो हम इसे रोक नहीं सकते, ये तो हमारे अंडर में आता नहीं, पर जो लास्ट 6 नंबर है इसको हम रोक सकते हैं। सही तरीके से हम अगर फूड प्रिपरेशन करें, सर्व करें सही टेम्परेचर में, उसको कुक करें, तो हम इसे रोक सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो फूड है किस तरह से कंटामिनेट होते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो फूड टू फूड कंटामिनेट हो सकता है, एक इक्विपमेंट टू फूड कंटामिनेट हो सकता है, और एक पीपल टू फूड कंटामिनेट हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फूड टू फूड किस तरह से ये क्रॉस कंटामिनेशन होते। अगर हम स्पॉयलेज फूड को कुछ रेडी टू ईट फूड के साथ में रखता है, तो जो रेडी टू ईट फूड है इसमें जो स्पॉयल फूड है, खराब फूड है, इसका बैक्टीरिया इस पर ट्रांसफर होकर इसको खराब कर सकते हैं। सेकेंडली, रॉ फूड या फिर रॉ मीट, स्पेशली जो कच्चा मीट होता है, इसको अगर रेडी टू ईट फूड या फिर कुक्ड फूड के साथ में रखेंगे तो भी जो रॉ फूड की बैक्टीरिया है रेडी टू ईट फूड या फिर कुक फूड के अंदर जाके इसको खराब कर सकते हैं। इम्प्रॉपर वेस्ट फूड, देखिए काफ़ी टाइम पे क्या होता है, स्पेशली हम बात करें तो मीट या पोल्ट्री या फिर सी फूड, अगर हम इसे प्रॉपर वॉश नहीं करके डायरेक्टली इसे हम स्टोरेज कर रहे हैं और इसके साथ में कुछ क्लीन फूड है साइड में, तो इसे डेफिनेटली ये कंटामिनेट कर देगा। लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही जल्द कंटामिनेट हो जाते हैं, और स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली लोटस वगैरह जो होते हैं, हम सलाद के लिए यूज़ करते हैं, इसको कुक नहीं किया जाता, डायरेक्टली गैस को साफ किया जाता है। तो इस दौरान लीफी वेजिटेबल्स का हमको बड़ा संभाल के रखना चाहिए, इसकी जो सराउंडिंग में ना तो कोई सी फूड, ना तो नॉन वेज, और ना तो इस तरह का कोई भी चीज़ रखना चाहिए जिससे ये कंटामिनेट हो सकता है। डेयरी फूड बहुत सेंसिटिव होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बहुत जल्द जो बैक्टीरिया है इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और बैक्टीरिया ग्रोथ होना चालू करते हैं, तो इसे भी हमको संभाल के रखना चाहिए। ऑल काइंड ऑफ रॉ मीट जो है सबसे खतरनाक होता है, रॉ मीट और उसके बाद सी फूड भी, तो इसको अगर आप स्टोरेज का हमारा वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें कि किस तरह से हम रॉ मीट, पोल्ट्री और मीन्स चिकन वगैरह और जो सी फूड है इसको किस तरह से स्टोरेज किया जाता है। इसको सबसे नीचे की तरफ रखा जाता है इसलिए क्योंकि इसका जो लिक्विड है एक कोई और फूड का ऊपर ना गिर जाए, चाहे वो पेरिसेबल फूड हो या फिर रेडी टू ईट फूड हो, तो इसके ऊपर इसका जो लिक्विड है वो ना गिर जाए, जिस वजह से इसको सबसे नीचे रखा जाता है। इसके बाद आता है लेफ्ट ओवर, जैसे कि पहले का कोई खाना बचा हुआ हो तो मेक श्योर कि हम इसे प्रॉपर तरीके से कवर करके एकदम जो रेडी टू ईट फूड है उस रैक में इसको स्टोरेज करें और उसके बाद उसको सही टेम्परेचर में कुक करें बिफोर इट सर्व।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल भी है मेरे पास, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में विदाउट वॉश करके लोटस को साफ किया गया था सलाद के अंदर, और जिस वजह से 71 कस्टमर बीमार हो गया था इकोलाई बैक्टीरिया का वजह से। ये जो इंसिडेंट है 2006 का है फ्रेंड्स, आप समझ गए जो क्रॉस कॉन्टामिनेशन होते कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इक्विपमेंट टू फूड। इक्विपमेंट टू फूड के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है चॉपिंग बोर्ड और नाइफ के बारे में, क्योंकि ये दो ही चीज़ें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो मेक श्योर कि हम इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, चॉपिंग बोर्ड की जो कलर कोडिंग है इसको मेंटेन करें, और इसको जो चॉपर है इसको सही तरीके से सैनिटाइज करें। अगर हम रॉ मीट या पोल्ट्री काट रहे हैं उसके बाद इसको सही तरीके से वॉश करें, उसके बाद ही जो लीफी वेजिटेबल्स हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट हो इसमें यूज़ करें। इसके बाद आता है सर्फेसेस लाइक काउंटर टॉप, जो हम टेबल पे काम करता है उस टेबल से भी फूड को कंटामिनेट हो सकता है। यूटेंसिल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्टोरेज कंटेनर जो कंटेनर में हम फूड को स्टोर करते हैं फ्रिज के अंदर या फिर बाहर भी, तो इस कंटेनर से भी जो फूड है कंटामिनेट हो सकता है। तो हो सकता है जो कंटेनर है इसमें हमने सी फूड या फिर मीट स्टोर किया था, रखा था, और इसके बाद हमने इसे सही तरीके से वॉश नहीं किया और फिर से हमने इसमें जो रेडी टू ईट फूड या फिर लीफी वेजिटेबल्स को रख दिया, तो इस दौरान भी ये जो कंटेनर है जो लीफी वेजिटेबल्स है या फिर रेडी टू ईट जो फूड है इसको कंटेमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फूड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स। अगर आपके पास कोई मशीनरी है जिसमें हम जैसे कि चिकन मिंस करते हैं वो मशीन हो गया, या फिर गार्लिक मिंस करने का मशीन हो, काफ़ी सारे अन्य मशीन होते हैं जो डो मेकिंग मशीन होते हैं, इस सारे मशीन को जो है सही तरीके से हम सैनिटाइज करना चाहिए, सही तरीके से वॉश करना चाहिए, वरना इसमें अगर कोई खाना जमा हो जाता है या फिर प्रॉपर तरीके से इसको वॉश नहीं किया जाता है, सैनिटाइज नहीं किया जाता है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होना चालू करता है। उसके बाद जब हम इसे कुछ और बनाने जाएंगे वो जो बैक्टीरिया है हमारा फूड को ख़राब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सेम एक इंसिडेंट हुआ था 2008 में, एक मीट स्लाइस कंपनी था जो बहुत ही पॉपुलर था, पर इनकी जो लापरवाही है जिस वजह से 22 कस्टमर की मौत हो चुका था लिस्टेरिया बैक्टीरिया का वजह से, क्योंकि इन्होंने जो अपनी इक्विपमेंट था उसको सही तरीके से सैनिटाइज नहीं किया था, क्लीन नहीं किया था, जिस वजह से लिस्टेरिया बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ होते गया और उसके बाद इतना खतरनाक हो गया कि 22 कस्टमर को डेथ हो गया। उसके बाद इस कंपनी को सील भी कर दिया गया है। तब आप समझ पा रहे हो कि जो बैक्टीरिया कितना खतरनाक होता है, हमको जान भी ले सकता है। इसके बाद आता है पीपल टू फूड। पीपल टू फूड के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले हमको हमारा हाथ का याद आता है कि जो हाथ है हर टाइम हमको खाना का साथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स मेक श्योर कि हमारा जो हाथ है हम हमेशा इसको वॉश करें। जब हम रॉ मीट या फिर पोल्ट्री को टच करें उसके बाद डायरेक्टली हम इसको रेडी टू ईट फूड में या फिर सलाद वगैरह बनाने के काम पे यूज़ ना करें, और जितना पॉसिबल हो हम इसको ग्लव्स पहन के यूज़ करें, और जब हमारा काम हो जाता है हम सही प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करें। सेकेंडली आता है हमारा सेलफोन। तो फ्रेंड्स सेलफोन देखिएगा, आप इन दिनों काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में शेफ्स के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि सेलफोन ऐसा चीज़ है हम हर टाइम पे उसमें हाथ लगाते हैं, चाहे बाहर हो अंदर हो, और पर हम इसे कभी भी सही तरीके से सैनिटाइज नहीं करते, जिस वजह से सेलफोन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। काम करने के दौरान अगर या फिर किचन में जब आप काम कर रहे हैं इस दौरान अगर सेलफोन को टच करते हैं आपका हाथों में मिलियन बिलियन जो बैक्टीरिया सेलफोन से आ जाते हैं, और ये डायरेक्टली जो फूड को हम टच करेंगे उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सेलफोन के थ्रू भी जो क्रॉस कंटामिनेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद आता है डर्टी यूनिफॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डर्टी यूनिफॉर्म का वजह से भी बहुत सारा क्रॉस कंटेमिनेशन होता है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम क्या होते हैं एफ्रन में ही हमारा हाथ पोछने लगता है, उसके बाद फूड हमारा उसी हाथ से फिर से खाना को टच कर देते हैं, तो इस दौरान भी जो फूड है कंटेमिनेट हो जाते हैं। इन सारी चीज़ को हमको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसका साइड इफेक्ट्स क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के दौरान मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल भी दिया है कि किस तरह से ये जो क्रॉस कंटेमिनेशन आपको हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ये भी या फिर आपको जान भी ले सकता है। तो इसमें जो बेसिक सिम्टम्स इसमें देखने के लिए मिलता है क्रॉस कंटामिनेशन का वजह से, फूड बर्न इलनेस का वजह से या फिर ख़राब खाना खाने के वजह से, वो है स्टोमैक अपसेट हो सकता है, लूज ऑफ एपिटाइट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोसिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो ये जो है ये 24 आवर्स तक ही आपके अंदर रहते, उसके बाद अपने आप से काफ़ी बार ठीक हो जाता है, काफ़ी बार होता भी नहीं है, काफ़ी बार हमको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ता है। तो अब लास्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड परचेसिंग एंड स्टोरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हम परचेस कर रहे हैं और उसको किस तरह से स्टोरेज कर रहे हैं। तो इस तरह का जो एक्सपायरी प्रोडक्ट है उसको हम परचेस ना करें, और जब हम फूड को स्टोरेज कर रहे हैं मेक श्योर जी कि सही प्रोडक्ट को हम सही जगह पे स्टोर करें, उसको हमेशा कवर रखें। और अगर हम एक ही फ्रिज के अंदर वेज नॉन वेज रेडी टू ईट फूड और डेयरी प्रोडक्ट सारे कुछ रख रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया किस तरह से हम सही तरीके से स्टोरेज करना चाहिए, कौन सा फूड को ऊपर रखना चाहिए, कौन सा फूड को नीचे रखना चाहिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस वीडियो का आप देख सकते हो।
और लास्ट में जैसे कि आप यहाँ पे देख सक और लास्ट में यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर कोई फूड है जो कि 2-3 दिन से है, तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर में हम उसको कुक करना चाहिए फिर से खाने से पहले, ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया पैदा हुआ था वो फिर से मर जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से हम फूड को सही तरीके से प्रिपरेशन करके भी हम क्रॉस कंटेमिनेशन को रोक सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको तो सबसे पहले हमको जो बात की ध्यान देना है, हमको हैंड वॉश करना है 20 सेकेंड तक प्रॉपर तरीके से। जब जब कभी भी हम रॉ मीट, पोल्ट्री, एनिमल या फिर वॉशरूम की यूज़ करें, या फिर स्नीजिंग करें, कॉफ करें, या फिर सेलफोन को पकड़े, इस दौरान इसके बाद हमको हैंड वॉश करना है 20 सेकेंड तक। और फ्रेंड्स सेकेंडली आता है, हम जो हमारे खाना पकाने का बर्तन हो, कटिंग बोर्ड हो, या फिर जो सरफेस हो, सारी चीज़ को हमको गर्म पानी से और सही तरीके से सैनिटाइज करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। स्पेशली जब हम रॉ मीट वगैरह को कहीं पे रख रहा है, चॉपिंग बोर्ड में काट रहा है, तो इस सारी चीज़ को हम सही तरीके से क्लीन करना चाहिए। टॉवल यूज़ करते हैं सामान को पकड़ने के लिए, या फिर जो काउंटर टॉप वगैरह या फिर टेबल वगैरह क्लीन करने के लिए, मेक श्योर कि जो क्लोथ्स हो वो सैनिटाइज किया हो और क्लीन हो। 4 नंबर पे हमारा मेक श्योर कि हम जो फूड है उसको सही टेम्परेचर में कुक करें थर्मोमीटर की यूज़ करके। तो इस तरह से हम जो है क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है और टाइप ऑफ कंटामिनेशन क्या क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, और इसे हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सोचते हो कि इस वीडियो को आपका कलीग्स के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल भी देर ना करें, इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का न्यू न्यू वीडियो मैं लाता रहता हूँ जो आपको काफ़ी मदद कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।